हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक व्यूअर है हमारे जिन्होंने कहा है कि सिर्फ सेल्स वाउचर में कैसे एंट्री पास करते हैं। हालांकि वीडियोस बहुत बनाई है मैंने, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ सेल्स वाउचर बताइए। तो चलिए ये सिर्फ सेल्स वाउचर देखते हैं। और टैली का और भी ज्यादा, टैली प्राइम का नया वर्जन मैं अभी यूज कर रहा हूँ, जो पुराना वर्जन टैली प्राइम का यूज करता था उससे भी ज्यादा अपग्रेड हो गया ये, तो उस वर्जन को मैं यूज कर रहा हूँ। और आज हम टैली प्राइम में सिर्फ सेल्स वाउचर की एंट्री देखेंगे। जैसा कि उस व्यूअर ने हमसे कहा भी है कि आप हमें सिर्फ सेल्स वाउचर की एंट्री के बारे में बताएं, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएंगे। अब ये देख सकते हैं टैली प्राइम में हम आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम यहां से क्या करते हैं, नई कंपनी बनाते हैं, ठीक है। तो नई कंपनी बनाने के लिए कहां जाएंगे, F3 प्रेस करेंगे आप, ठीक है। तो यहां से प्रेस कर लेता हूं F3, ये आ गए हम कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पर। तो एक कंपनी बनाते हैं हम XYZ के नाम से, ठीक है। तो यहां पर आकर के XYZ यहां पे बना लेता हूं XYZ, ये हमारी कंपनी है और उसका जो एड्रेस है वो यहां पे आ जाएगा। तो यहां पर वो एड्रेस मैं डाल देता हूं जो एड्रेस इस कंपनी का होगा, ठीक है। तो ये हमने एक एड्रेस डाल दिया और एंटर प्रेस करके, यहां पे स्टेट डालना कंपलसरी है, तो यहां पे स्टेट डाल लेता हूं अपना, ठीक है। आपका जो भी स्टेट हो और पिन कोड हो वो चीजें आप डाल लें, और बाकी की सारी डिटेल आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, मैंने अभी छोड़ रखा है। यहां पर 1 अप्रैल 2021 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, मैं यहां क्या करता हूं, यहां कर देता हूं 1/4/2020 कर देता हूं, ठीक है। और काम भी हमारा 1/4/2020 से स्टार्ट हो रहा है, यानी बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये भी हमने वही टाइम रखा है। अब ये हो गया। अब यहां पर क्या करता हूं, इसे कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो XYZ नाम की कंपनी हमारी तैयार हो चुकी है और यहां पर देख सकते हैं करेंट डेट 31 मार्च 2020 शो कर रहा है, ठीक है। इसको 1 अप्रैल करना होगा। तो यहां से सबसे पहले तो ये फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए, 19-20 है, हमें इसको चेंज करना है, हमें यहां 2020-21 करना है। तो यहां सीधा सीधा कर देता हूं 1/4/2020, ठीक है, और बाकी 31/3/2021 अपने आप हो जाएगा, ये 31/3/2021, ठीक है। यहाँ एंटर करके, और फिर अब ये फाइनेंशियल ईयर भी हमने चेंज कर लिया, अब यहां पर हमको एंट्री पास करनी है। तो इन्होंने कहा है सीधा, देखिए बिगिनर से यही गलती हो जाती है, सीधा सेल्स वाउचर। सीधा सेल्स वाउचर का क्या मतलब है भाई, आपने परचेस किया नहीं तो सेल्स का क्या मतलब बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां वी प्रेस करके वाउचर में आ गए और यहां से F8 प्रेस करेंगे, किस लिए, सेल्स वाउचर में जाने के लिए। तो ये F8 प्रेस किया हमने। अब यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कैश, तो यहां लेजर तो हमने क्रिएट नहीं किया है डेटर पार्टी का, तो यहां कैश ही कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां कैश कर लिया हमने, एंटर प्रेस किया। और यहां पर अब हम जैसे ही आएंगे तो ये देखिए, यहां पर पहले रेगुलर कर लेता हूं GSTIN रेगुलर, और यहाँ पे GSTIN डाल देता हूँ, जो भी पार्टी का GSTIN है वो डाल देता हूँ। तो ये डाल करके एंटर प्रेस करके यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, तो सेल्स का लेजर तो बन ही जाएगा, यहाँ कर दिया सेल्स अकाउंट, ठीक है। एंटर प्रेस करके यहाँ पे आएंगे, सेल्स के अंडर में ये जाएगा, तो यहाँ कर देंगे सेल्स अकाउंट। तो जैसे ही करेंगे एंटर प्रेस करके और इसको इन सबको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें कोई भी स्टॉक आइटम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अपने स्टॉक में रखेंगे तब ना आएगा, हम तो डायरेक्ट सेल्स में एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बात याद रखिएगा, सीधा सेल्स वाउचर में एंट्री पास करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। तब मिस्टेक है जबकि आपने परचेज नहीं कर रखा होगा कोई भी स्टॉक आइटम। भाई आप भी तो कहीं से खरीद के लाएंगे या प्रोडक्शन करेंगे अपने कंपनी में, तो उसकी कुछ तो कॉस्ट आएगी, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे होनी चाहिए, परचेज में भी फिटिंग होनी चाहिए, तभी आप सेल्स में एंट्री पास कर पाएंगे। अब देखिए डायरेक्टली अगर एंट्री पास करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करके डायरेक्टली हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए स्टॉक आइटम बना रहा हूं मैं सैनिटाइजर, यहां पे आकर के सैनिटाइजर ये लिख लिया सैनिटाइजर, और एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पे यूनिट कर देते हैं हम, तो यहां पे कर देते हैं TR इस तरह से, और यहां पे LITRE लीटर ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया, और यहां पे L प्रेस करूंगा तो लीटर वाली, यहां पे किलो लीटर दिया हुआ है और यहाँ मिली लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ मिली लीटर कर देता हूं मैं, और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा। तो ये सब हमने कर दिया। अब यहां पर मिलीलीटर, अब देखिए तुरंत यहां नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आएगा और यहां पर गलती हो जाएगी आपसे। ये गलती ना हो इसके लिए जरूरी है कि पहले हम परचेज में एंट्री पास कर लें, ठीक है। तो परचेज में एंट्री पास करने के लिए हमें कहां जाना है, परचेज वाउचर में जाना है। परचेज वाउचर में जाने के पहले हमें यह देखना है कि हमने कंपनी शुरुआत किया है तो कंपनी में कैश है कि नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। कंपनी में अगर कैश ही नहीं होगा तो आप कैसे पता करोगे, परचेजिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो कंपनी में कैश का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है
कि आप बिना कैश के अपने क्रेडिट के बेस पर, जैसे मान लीजिए आपका बहुत कोई खास है जो होलसेल सप्लायर है जो आपको सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है कि भाई ठीक है ले जाओ हमारे यहां से और सेल करके हमें पैसा रिटर्न करोगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी कभी कभी व्यापार स्टार्ट करते हैं आप, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो इस कंडीशन में हम यहां से वी प्रेस कर लेते हैं और सीधा परचेज में आ जाते हैं और क्रिएट करते हैं लेजर। तो यहां पर कर देता हूं मैं राहुल सप्लायर, ये हमने कर दिया। और यहां पे अब आएगा क्या, क्रेडिटर पार्टी है तो यहां पे क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आएगा। तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां पर स्टेट वगैरह फिल है, बाकी सारा एड्रेस वगैरह आप चाहे तो डाल सकते हैं, पर इसको भी एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे इस तरीके से। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, अब यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि परचेज अकाउंट का लेजर जाता है अंडर परचेज के ग्रुप में, तो यहां पे एंटर प्रेस करेंगे, यहां पे आएंगे परचेज के ग्रुप में इसे डाल देंगे। कभी भी परचेज अकाउंट परचेज के ही ग्रुप में जाता है और एंटर प्रेस करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहां पर आएंगे तो एक स्टॉक आइटम आपने सेल्स वाउचर में बना रखा है, ठीक है। अब वो सैनिटाइजर का था, तो यहां पर पहले सैनिटाइजर हम परचेज करेंगे। तो यहां पर 10 लीटर हम सैनिटाइजर परचेस कर रहे हैं, ठीक है, और एक की कीमत हमें पड़ रही है 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपए 10 लीटर की कीमत हो गई। अब इसको आप एक्सेप्ट कराइए, यहाँ न्यू रेफरेंस आ जाएगा। और यहां पर जब एक्सेप्ट कराएंगे तो अभी हमने इसे उधार में परचेस किया है, जब इसको आप सेल कर ले, अब देखिए सेल में जाएंगे तो क्या होगा, यहां से वी प्रेस करता हूं, अब सेल्स वाउचर में F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में चलते हैं। तो यहां पर जैसे ही आएंगे तो ये तो हमारी क्रेडिटर पार्टी है राहुल सप्लायर, हम इसको कैश में सेल कर देते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं आता हूं, यहां पर रेगुलर कर देते हैं और यहां पर जो भी GSTIN है वो डाल सकते हैं, फिलहाल छोड़ता हूं। यहां पर आते हैं सेल्स अकाउंट। अब यहां पे सैनिटाइजर जैसे ही डालेंगे तो यहां 10 लीटर सैनिटाइजर अवेलेबल है, पहले नहीं था तो हमने उसको रोक दिया था, एंट्री पास नहीं करी थी हमने, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए 5 लीटर सैनिटाइजर आप सेल करेंगे तो कोई भी आपको नेगेटिव मैसेज नहीं आएगा, खरीद रेट पड़ी थी 100 रुपए, 200 रुपए में इसको सेल कर दिया और इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया। तो ये आपकी एंट्री सही एंट्री मानी जाएगी सेल्स वाउचर में। और उस तरह अगर आप एंट्री पास करते हैं सीधा सेल्स वाउचर में आकर के, हो सकता है कि आपको जहां काम मिला हो वहां पर परचेजिंग वाला हिसाब किताब पहले से बना हो, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली सेल्स में एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी शुरुआत हो रही है तो वहां पर आपको परचेजिंग करनी होगी, तभी आप सेल कर पाएंगे। आपको देखना होगा कि स्टॉक आइटम है कि नहीं है। आ रही है बात समझ में ना? तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।